नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नसुल्लागंज में वावन अवैध कॉलोनियों पर चल रहा है मुकदमा, उसके बाद भी नसुल्लागंज में धड़ल्ले से हो रही अवैध कॉलोनी के प्लाटों की रजिस्ट्रियां। उप पंजीयक को नई अवैध कॉलोनी की जानकारी। नसुल्लागंज में अवैध कॉलोनी का यही मामला नहीं है, ऐसे वावन अवैध कॉलोनियों के मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी सभी अवैध कॉलोनियों के प्लाटों की धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही है। अवैध कॉलोनी के प्लाटों की रजिस्ट्रियां का खुलासा कुछ इस तरह का सामने आया है कि सीहोर रोड महक वाटिका के सामने स्थित भूमि पर 3 मुकदमे चलने के बाद भी कॉलोनाइजर द्वारा प्लाट खरीदने वालों की गुमराह कर उनकी रजिस्ट्री करवा दी गई है और रजिस्ट्रियों में किसी भी तरह के मुकदमे की कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि रजिस्ट्रियों में साफ साफ लिखा है कि इस भूमि पर किसी भी तरह का विवाद या न्यायिक मामला विचाराधीन नहीं है। यदि कोई न्यायिक मामला विचाराधीन पाया जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी विक्रेता की होगी। यह जमीन पूर्ण रूप से विवादमृत और साफ पाक है, लेकिन फिर भी इस विवादित भूमि में 19 रजिस्ट्री करा दी गई है, किंतु किसी भी रजिस्ट्री में न अवैध कॉलोनी के मुकदमे की जानकारी है और न ही न्यायिक मुकदमे की जानकारी दी गई है। जैसे ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में आया तो इन लोगों ने प्रशासन के शिकंजा कस दिया। तहसीलदार लखन सिंह चौधरी ने ऐसे अवैध कॉलोनी के नामांतरण के आवेदन निरस्त कर दिया है, साथ ही मामले का प्रतिवेदन बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। अब आगे देखना होगा कि इस अवैध कॉलोनी के प्लाट बेचने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। नसुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। सर, नसुल्लागंज में कुछ अवैध कॉलोनियों को केस चल रहा है, जिनके कुछ नामांतरण रद्द किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि अवैध कॉलोनी बिल्कुल विकसित होती है तो उसके साथियों को राजस्व भारी मात्रा में क्षति होती है, राजस्व होने होती है और ऐसी कॉलोनियाँ विकसित होने से जो रहवासी हैं, जो लोग हैं, जो उसके अभिभोगी हैं, जो उसको अभिभोग करते हैं, उनको भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे नाली की समस्या, बिजली पानी की समस्या, बहुत सारी समस्या आती है अवैध कॉलोनी में, जिससे कि अभिभोगी को दूसरा होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देखते हुए शासन की जो राजस्व हमें इसको देखते हुए हम लोगों ने माननीय कमिश्नर महोदय के निर्देश में था और कमिश्नर महोदय के निर्देश में हम लोग सभी जो ये अभियान चला रहे हैं, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की है। सर, अभी तक के कितनी कॉलोनियां हैं नसुल्लागंज में जो अवैध घोषित हो चुकी हैं? अभी अवैध घोषित मतलब घोषणा ऐसा कभी कोई सुनी है, हमने सुनी की है और कॉलोनियों में सुनी करके जो करीब करीब 15 के आसपास में जो उनके प्रतिनिधि हमने बना करके और सीमा अनुभव अधिकारी को प्रस्तुत करती है, जिसमें शिक्षण अधिकारी निर्माण अधिकारी होते हैं, वही इस मामले को करते हैं। सर, इन कॉलोनियों पे जिनसे केस चल रहा है का, इनकी धड़ल्ले से रजिस्ट्री हो रही है, क्या ऐसी कोई लिखित में रजिस्ट्रार को कोई अपन ने जानकारी दी है कि ये जो कॉलोनियां हैं इन पे रजिस्ट्री ना की जाए, ऐसा कुछ अपन ने लिखित में दिया है? नहीं, हम लोगों ने कोई लिखित में जारी नहीं किया, ना ही हम लोग कभी इसमें सकते हैं जी, तो किसी प्रकार से नहीं जा सकते सर, आपके द्वारा अभी तक के ऐसे कितने आवेदन है जिनको खारिज किया गया अवैध कॉलोनी वालों को? लेकिन अभी संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन अवैध कॉलोनी जो सामने आ रहे हैं नामांकन कार्य नहीं। सर, एक आपसे एक बात और जानना चाह रहा था, ऐसे जो अवैध कॉलोनी वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।